हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष और आप सभी का स्वागत है एक्सीड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। सो एज यू नो, आज की डेट में मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी के एग्जाम हो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और प्रॉब्लम ये आती है कि मैथ्स को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो मैं आज उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मैथ्स को पढ़ने के लिए अप्रोच जो हमारी होगी वो होगी जीरो टू इन्फाइनिट अप्रोच, यानी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फाइनिट यानी जहाँ तक पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक्स मैं बता दूं आपको मैथ्स पढ़ने के बारे में क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स में हमें हर टॉपिक को अलग अलग एनालिसिस करके उसका ग्रुपिंग करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ टॉपिक्स होते हैं बेसिक्स, जैसे बेसिक्स कौन से, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, एचसीएफ हो गया, इनका एक ग्रुप बनाइए, उनको अलग से स्टडी कीजिए। देन सेकंड जो अपने ग्रुप बनाना है वो बनाना है रेशियो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, एलिगेशन मिक्सचर हो गया, इनको सेकंड ग्रुप बनाइए। थर्ड ग्रुप में अपन परसेंटेज ले सकते हैं, प्रॉफिट लॉस ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हैं। और जो फोर्थ पोर्शन हो सकता है उसमें अपन वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और एडवांस मैथ्स तो डेफिनेटली अलग सेक्शन, उसकी बाद में आने वाली किसी क्लास में डेफिनेटली करूंगा मैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं आपको। सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानकारी देता हूं। देखो प्रॉब्लम ये होता है, हम स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ना, लेकिन हमें नहीं पता होता जीरो कब पढ़ना है, वन कब पढ़ना है, टू कब करना है, थ्री कब करना है ना। तो अब स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप नंबर्स के बारे में जानकारी रखिए, नंबर्स का इंट्रोडक्शन रखिए अपने साथ में, नंबर्स किस तरीके के होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि नंबर्स बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इस नंबर का इससे क्या रिलेशन है, या इनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसी की बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले जो टाइप का नंबर होता है मैथ्स में, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं हिंदी में साथ में बोलूंगा, हिंदी में इसे प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। और ये कौन से नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से जो भी नंबर्स आप लिखते हैं, एक से लेके जो भी काउंटिंग आप जानते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं आपको कि 2013 में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था आरपीएससी में, तो उसमें नंबर सिस्टम टॉपिक से करीब 5 या 6 क्वेश्चन आए थे और सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, वो किसी बुक में नहीं मिलते। प्रॉब्लम है इस टॉपिक के साथ कि बुक में कैलकुलेशन तो मिल जाती है लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो नहीं मिलता है। तो मैं वही सिखाने वाला हूं आज आपको, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या पूछे जाते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो था नेचुरल नंबर, सेकेंड नंबर की बात करूं मैं आपसे उसे बोलेंगे होल नंबर। ये होल नंबर कौन से होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 ये जो भी नंबर मैंने लिखे हैं सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। देखिए जो भी वर्ड है ना, उस वर्ड का स्टार्टिंग अल्फाबेट ले लो आप, उसे कैपिटल कर दो, स्टार्टिंग लेटर ले लो उसे कैपिटल कर दो, वही रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अगर मैं आपको कैपिटल N लिख के दूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर की। कैपिटल W लिख के दूं तो आपको समझना पड़ेगा कि बात हो रही है होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जो मुझे याद है आरपीएससी में 2013 में पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्या यह बात सही है या गलत है। तो आप चेक करो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में से ही तो ले रहे हैं अपन, तो यह बात बिल्कुल ठीक थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तो न्यूमेरिकल होते हैं मैथ्स में सारे के सारे, बट कुछ बेसिक्स भी जरूरी है अपन को स्टडी करना, तो उसी के बारे में बात करने के लिए आज यहां पर अपनी क्लास रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का नंबर कौन सा होता है। नेक्स्ट टाइप का जो नंबर होता है इंटीजर, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। और इंटीजर क्या होते हैं, अगर आप जीरो से लेफ्ट में चले जाओ तो जीरो से लेफ्ट में आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो से लेफ्ट में स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसे डॉटेड लाइन बनाता हूं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड इधर पॉजिटिव साइड्स होते हैं। तो जो नंबर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड्स की तरफ जाते हैं वो नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। हिंदी नाम जरूर बताऊंगा आपको इनका, हिंदी नाम होता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक यानी पूरे अंकों को ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बीच में जीरो को फिक्स करते हुए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चले जाओ वो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में, आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि अगर इसको सब कैटेगराइज कर दें तो ये नंबर फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। अगर मैं जीरो के राइट में चला जाऊं तो जीरो के राइट में देखिए कौन कौन से नंबर हैं। जीरो के राइट में 1, 2, 3, 4 क्या ये सारे के सारे नंबर हमने लिखे हुए हैं क्या? आप ध्यान से देखिए सारे के सारे नंबर ऊपर लिखे हैं नेचुरल नंबर में। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है अगर उसे इंटीजर में से निकाल के बना रहे हैं तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा, बस आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, सिंबल बना के आई प्लस इंटीजर पॉजिटिव। तो जितने भी नंबर जीरो के राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो डेफिनेटली जीरो के लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं।
तो जीरो के लेफ्ट साइड में चला गया मैं, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वो अपने हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो हमें मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे तो मिलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये जीरो कहां गया, फिर ये जीरो वाला जो वैल्यू है ये कहां गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीसेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, जीरो किस टाइप का इंटीजर है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है जीरो नेगेटिव। अच्छा, 100 में से 90 लोग तो जीरो को पॉजिटिव ही मान के चलते हैं कि सर जीरो पॉजिटिव सिखाया गया है। तो ध्यान रखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो नेगेटिव भी नहीं है। मैं आई प्लस और आई माइनस लिख के इसको कट कर रहा हूं, देखो, ताकि ये चीज आपको परफेक्टली समझ में आ जाए कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। तो जीरो को एक थर्ड कैटेगरी बनाकर यहां पे अलग से लिखूंगा मैं, जीरो होता है न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, क्योंकि जीरो पॉजिटिव कैटेगरी में या नेगेटिव कैटेगरी में नहीं आने वाला। न्यूट्रल इंटीजर का मतलब होता है कि जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, 5 में अगर जीरो को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, और 5 में से जीरो को हटा दोगे तो भी 5 आएगा। तो जीरो का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी नंबर में जोड़ने या घटाने पर, तो जीरो को न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। ठीक है, इसका एक और नाम और मैं बता दूं आपको, जीरो को अपन बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक वो नंबर होता है जिसको दूसरे नंबर के साथ एसोसिएट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद सोच के बताओ, जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करने पे कुछ फर्क पड़ा क्या? तो जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिटिव यानी ऐड करना, आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता उस नंबर की। अच्छा, हिंदी में बात करूं, न्यूट्रल सब जानते हैं, उदासीन कहलाता है शब्द। तो जीरो उदासीन इंटीजर, इंटीजर का मतलब आपको मैंने बताया था पूर्णांक हो गए सारे के सारे, उदासीन पूर्णांक या योज्य। और ये नाम ध्यान से देखिए, योज्य तत्समक, मैं लिख देता हूं, जीरो योज्य तत्समक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन मान लीजिए आरपीसी के एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब ये चीज आपको कहीं कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, या आपको इसके रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज अपने पास एक साथ अवेलेबल हो तो मैं आपको लिखवाता चलूंगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। नंबर हमने नेचुरल देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर देख लिए, अब आगे की बात करते हैं। चलिए, तो फोर टाइप का नंबर हम देखते हैं। फोर टाइप का जो नंबर है उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो फोर टाइप का जो नंबर होता है उसका नाम होता है रैशनल नंबर। और जैसे नाम से क्लियर पता लग रहा है, रेशो, यानी हमें इसे p अपन q के फॉर्म में लिखना चाहिए, जहां q नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आपने कितना भी मैथ्स पढ़ा होगा, कभी भी आपने जब भी मैथ्स पढ़ा है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं आया होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और वैसे भी वो नंबर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं देखिए, इसके कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, 1/2, 3/4, -7/5, -6/8, 22/7, 17/19, -18/25, जो भी नंबर आप p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहां पर क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। All n, n का मतलब मैंने सिखाया था, n का मतलब नेचुरल नंबर हो गया, w i r फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
अब ये जो मैंने बात लिखी है क्या ये सही है या गलत है, आपको ये वेरीफाई करना है। कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको पहले कोई फॉर्मूला लगाने अप्लाई करना है। एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है ये जांच करनी है। अच्छा, हिंदी में बता दूं, सभी प्राकट संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के ही भाग है, यह पूछा गया है। अब आप चेक करके बताइए, प्राकट संख्या कौन सी होती है जो एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और जो भी नंबर होते हैं सब प्राकट संख्या होती है, ठीक है। अगर आप एक के नीचे एक लिख दें, दो के नीचे एक, तीन के नीचे एक, चार के नीचे एक, तो क्या ये p अपॉन q का फॉर्म नहीं हो गया क्या? और ये p अपॉन q का फॉर्म हो गया, यानी ये डेफिनेटली रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि सारी प्राकट संख्याएं परिमेय संख्याओं में से ही ली गई है। अब इस होल नंबर की बात करें तो होल नंबर होता है जीरो से स्टार्ट, तो जीरो को 0.1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जीरो की वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। तो मेरे लिए यह चीज भी क्लियर हो गई कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याओं का ही भाग है। और एक आखिरी इंटीजर यानी नेगेटिव वैल्यूज जो होती है, तो नेगेटिव को अगर -1/1 लिखा जाए या -2/1 लिखा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे से प्राकट संख्याएं हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे पूर्णांक हो, वो सभी के सभी इस परिमेय संख्या से ही उठाई गई हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पे चलते हैं। फिफ्थ टाइप का जो नंबर आता है उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ठीक है। अगर हिंदी में मैं इसका नाम पूरा लिख देता हूं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए आप जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे ना, उस मैथ्स में जहां से डिफिकल्टी आनी स्टार्ट होती है वो अपरिमेय संख्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाएंगे वो हो जाएंगे रैशनल। तो रैशनल कौन से हो जाएंगे जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो यही कहता है, क्या कहता है डेफिनेशन, वे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते ठीक है। डेफिनेशन तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अभी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे, तो आप मुझे कहेंगे सर तैयारी नहीं कर रहे। मैंने आपसे क्या पूछा कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, नहीं एग्जैक्टली आपको प्रिसाइज होके वही बात बोलनी पड़ेगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो रैशनल नंबर कौन सा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं। डेफिनेशन है कि वे नंबर्स जिनके रूट्स नहीं ज्ञात होते, अपरिमेय होते हैं, अब बच्चे कहेंगे सर ये रूट्स क्या चीज हो गई, नहीं तो भैया रूट्स को हिंदी में कहते हैं मूल, ठीक है। सुना होगा वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो वे नंबर जिनके रूट्स नहीं निकल सकते बेसिकली वही अपने रैशनल नंबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन जो ध्यान रखनी है, जैसे एक से लेके दस तक जो भी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालिए आप। जैसे मैंने रूट वन लिखा, रूट टू लिखा, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन, रूट टेन, और ये क्रम ऐसे आगे चलता रहेगा। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, रूट एक यानी एक का वर्ग करो चाहे एक होगा, या एक का वर्गमूल करो तो भी एक होगा, तो इसको हटा दूं, ये नहीं होना चाहिए। फिर आएगा मेरे पास रूट दो, ठीक है, रूट तीन, ठीक है, क्या चार का वर्गमूल निकालना संभव है क्या, है, तो इसे हटा दो। फिर पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, क्या नौ का वर्गमूल आ सकता है, आ सकता है। तो डेफिनेशन क्या है मेरी, डेफिनेशन यही है, वे संख्याएं या वे नंबर्स जिनके रूट नहीं निकलते, और जिनके रूट नहीं निकलते वे कौन सी संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय। तो बात हो गई वर्गमूल की,
क्या घनमूल की बात नहीं कर सकते क्या? देखो घनमूल लिखा कैसे जाता है, देखो कई बच्चों को घनमूल लिखने में कंफ्यूजन है कि लिखते कैसे। ये जो साइन होता है मैथ्स में, ये तो होता है आपका वर्गमूल का, जब कुछ भी नहीं लिखा हो। लेकिन अगर छोटा सा यहाँ तीन बना दिया जाए तो ये जो साइन होता है ये आपका घनमूल का होता है। तो जिन संख्याओं के मूल नहीं निकलते भाई, वो घनमूल भी हो सकता है, वर्गमूल भी हो सकता है। तो दो का घनमूल, तीन का घनमूल, चार का हो गया, सेम पांच का भी घनमूल हो गया, छः का भी घनमूल हो सकता है, सात का घनमूल हो सकता है, आठ का घनमूल एक बार लिख रहा हूं मैं इधर, नौ का घनमूल, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या दो का क्यूब रूट निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता? तीन चार पांच छः सात का क्यूब रूट नहीं निकल सकता, बट आठ का क्यूब रूट सब जानते हैं, आठ का क्यूब रूट होता है दो, तो उसको तो लेना ही नहीं है ना। वे संख्याएं जिनका रूट निकल जाए वो तो होंगी नहीं, और जिनका रूट नहीं निकलता बेसिकली वही अपरिमेय संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, अभी एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर ग्रुप डी का और एएलपी का, वहीं क्वेश्चन आया था। मैं आपको बताता हूं, देखो आपको चार ऑप्शन दूंगा और आपको चार ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है? क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन मैंने ओरली समझा दिया। चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए, सिक्स टू फाइव, अच्छा मैं उसी तरीके से लिखता हूं जिस तरीके से एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और यहां पे चार बना हुआ है, इसका मतलब होता है फोर्थ रूट, फोर्थ रूट यानी चतुर्थ मूल। सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा सेवन टू नाइन और इधर सिक्स, थर्ड पोजीशन पे मैं लिख रहा हूं ट्वेंटी फाइव और ये टू, और लास्ट पोजीशन पे लिख रहा हूं डी आपके लिए वन फोर्टी फोर फाइव, ठीक है? तो मैंने चार नंबर्स आपको लिख के दिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन चार नंबर्स में से कि इन चारों में से इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है? अगर इस फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करने लगूं तो आप मुझे बताइए 625 को क्या 5 की पावर 4 नहीं बोल सकते क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे और इसके ऊपर ये 1/4 आ जाएगा, तो क्या 4 से 4 एलिमिनेट हो गया? हो गया, तो रिजल्टेंट कितना बचा? ओनली 5। सेकेंड की बात कर लेते हैं, देखो 729 कैसे आता है, 729 सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 का ट्रिपल करोगे तो 729 आएगा। तो सेम मैं इसे लिख सकता हूं 3 के ऊपर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 एलिमिनेट कर दो तो केवल कितना बचा 3। 25 का स्क्वेयर रूट सब जानते हैं, फिर भी मैं लिखना सिखा देता हूं आपको, 5 स्क्वेयर और 1/2 कर देंगे तो मेरे पास बचेगा ओनली 5। एंड लास्ट वन 144, 144 किसका स्क्वेयर होता है? आपको पता है 144 12 का स्क्वेयर होता है और इसकी पावर 1/5, तो उसको सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा 12 की पावर 2/5 लिख सकते हो ना, और अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आप सीधी सीधी बात समझ चुके हैं कि ये जो नंबर है ये मेरा इरेशनल नंबर है, यानी जिसकी पावर सॉल्व नहीं होती, जिसकी पावर फ्रैक्शन में आएगी वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। कितना सीधा सा डेफिनेशन था और कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट और बताता हूं आपको, आपने मैथ्स में सिंबल देखा होगा ये पाई, पाई ये कहां काम में आता है? जब अपन एरिया निकालते हैं तो काम में आता है, वॉल्यूम निकालते हैं सर्कल का तो काम में आता है। तो ये पाई जो है ना ये कौन सा नंबर होता है? ये कई बार आप किसी बुक में देखोगे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर ये लिखा होता है। अब आप मुझे बताओ पाई की वैल्यू तो आपने पढ़ी है 22/7, पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है 22/7, तो अगर ये 22/7 एक पाई की वैल्यू है तो ये तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया, और पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया तो उसका डेफिनेशन क्या था? जो पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते वही रैशनल होते हैं, तो इसे तो अपन ने पी अपॉन क्यू में लिख लिया, तो जो भी आज तक अपन ने बुक्स में पढ़ा है तो वो गलत है, सारी बुक्स गलत नहीं हो सकती ना। तो आज एक आपको लॉजिक बताता हूं, देखिए ये जो पाई होता है ना, पाई इट इज जस्ट अ सिंबल, ये एक सिंबल है, चिन्ह है, पाई का कोई एग्जैक्ट मान होता ही नहीं खुद का। जब हम बात करेंगे एरिया की तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा,
लेकिन जब बात करेंगे ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री की तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। तो पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक सिंबल है, तो कभी भी ध्यान रखना सिंबल्स को हम रैशनल वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इसीलिए पाई एक रैशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए पाई किस टाइप का नंबर है तो हम बोलेंगे पाई एक इरैशनल नंबर है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होगा, अगर आपको एग्जाम में लिख के दिया पाई वैल्यू 22/7 तब ये रैशनल हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए पाई को इरैशनल माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक जो अपन ने नंबर पढ़े वो सारे के सारे नंबर्स थे, वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफाइन किए थे अपन ने। अच्छा, इन सबके ऊपर जो नंबर आता है उस नंबर को बोलते हैं अपन रियल नंबर्स। यानी जो भी नंबर आपने पढ़े, आपने रूट टू पढ़ा हो, आपने टू पढ़ा हो, आपने 2/3 पढ़ा हो, आपने -2/3 पढ़ा हो, आपने 0 पढ़ो, जो भी नंबर अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई आपसे पूछे रियल नंबर कौन से होते हैं, तो हम बोल सकते हैं भाई जो भी नंबर होते हैं, वेदर इट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि नंबर्स का नेचर, नंबर्स को अपन ने डिफाइन कैसे किया नेचर्स के अकॉर्डिंग, तो ये अपना डेफिनेशन हो जाएगा और ये पार्ट्स हो जाएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी तो अपन डिफाइन कर सकते थे नंबर्स को। तो प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, अगर मैं डिफाइन करूं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी नंबर को, तो मेरे पास आता है सबसे पहला दिमाग में इवन नंबर, जिसको अपन सब जानते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। फिर इसी अकॉर्डिंग बात करें तो फिर आता है मेरे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे आगे जाएंगे। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो प्रॉपर्टी तो हो गई ना 2 से डिवाइड होने की, तो वो तो हो जाएगा इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा ऑड नंबर। अब ये इवन नंबर क्या केवल नेचुरल नंबर में मिलेंगे क्या, नहीं, ये इवन नंबर तो नेचुरल में भी मिलेंगे, होल में भी मिलेंगे, इंटीजर्स में भी मिलेंगे, पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में होगा। तो प्रॉपर्टी हो गई, नेचर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना इवन नंबर्स होते हैं अपने 2, 4, 6, 8, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब समझाने वाला हूं कि आपके पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हिंदी में बात करें इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, और आगे लिखते हैं, चलिए जितने भी नंबर 100 तक होते हैं वो सारे लिख के देखते हैं एक बार। 31 के बाद 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 80, 83, 89, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109 और ऐसा आगे चलते जो एंडलेस है, तो इनका कोई एंड ही नहीं है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं आप ध्यान से देखिए, ये कभी भी किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है। आप कोशिश करो 11 को डिवाइड करने की, तो 11 तो 11 से डिवाइड कर सकते हो या एक से, और एक तो ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड हो सकता है। तो यही डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें या तो एक का डिवाइड होता है या खुद का डिवाइड होता है, बस ये चीज आप क्लियर रखना है ना। अब आप चेक करो कि एक से लेके और 100 तक चले जाएं तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, फटाफट से काउंट कर लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये हमेशा याद रखना कि एक से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, बताइए एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर, तो आप बता देना सीधा सीधा कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा आपकी। प्राइम नंबर्स का अगर अपोजिट देखा जाए मैथ्स में तो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, और किसी तीसरे एक नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको,
चार ले लो, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर इन प्राइम नंबर्स के बीच में रह गए हैं, बीच की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 2, 3 फिर 4 रह गया, 5 आ गया, तो 4 जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, 4 आएगा कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में। तो वे नंबर जिनमें एक का खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर का डिवाइड हो जाए वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। हिंदी में बात करूं इन्हें भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं बोलते हैं इनको, है ना, यौगिक संख्याएं, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बनती है ये। तो ये बात ध्यान रखिए आराम से, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब डिविजिबल हैं एक से, खुद से, लेकिन किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, अभी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 तो प्राइम नंबर होंगे, तो बताओ कॉम्पोजिट नंबर्स कितने हो जाने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो 1 से 100 अगर ले लें साथ में, उसमें से 25 कम कर दें तो 75 बचना चाहिए ना। बट ध्यान रखिए एक जो है एक, न तो यहां प्राइम नंबर में लिखा हुआ है मैंने, न वो कॉम्पोजिट नंबर में लिखा हुआ है, तो मैंने लिख के क्रॉस किया, इसका मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। एक न तो आपकी अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 99 नंबर ही तो बचे ना, 19 में से 25 हटा दो तो बचा हुआ 74 कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर हो गए, 74 कॉम्पोजिट नंबर हो गए। अच्छा एक और चीज देखो जरा, इकलौती संख्या दो ऐसी है यहां पर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज कहना चाहूं तो ये बोल सकता हूं ना, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, सो दैट मीन्स एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 विल बी एन ऑड नंबर। यानी 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा चेक कर लो, वो सारा का सारा विषम संख्या में से होगा, 3, 5, 7, 11 सब विषम संख्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। और एक तीसरी बात जो मुझे हमेशा बतानी होती है कि 2 × 3 ले लो, कितना होता है 2 × 3 6 होता है। एक बार 6 की टेबल लिख के देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 6 की टेबल 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, और ऐसे आगे चलते रहो। इसमें से एक कम कर दो तो 6 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा बताओ। आप 6 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 5, और 6 में एक जोड़ोगे तो बनेगा 7, बनेगा ना। अच्छा 12 में से एक कम करोगे तो 11, 12 में एक जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 13, 18 में से एक कम करो 17, 18 में एक बढ़ा दो कितना बनेगा 19, 24 में से एक कम करो 23, और 24 में एक बढ़ा दोगे तो 25, 30 में एक कम करोगे तो 29, और 30 में एक बढ़ा दोगे तो 31। तो आपको एक चीज पता लग रही होगी, जो भी नंबर्स मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सेप्ट 25 वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये भी लॉजिक ध्यान रखिए कि अगर हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो 6 का टेबल लिखो, उसमें एक कम और एक ज्यादा कर दो। अब ये जरूरी नहीं कि 6 के टेबल में जो भी लिखोगे वो एक कम एक ज्यादा प्राइम नंबर होगा, लेकिन डेफिनेट है या तो उसमें से एक कम या उसमें से एक ज्यादा होने की प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताए। तो ये जो भी हमने क्लास में अभी तक पढ़ा है ये पूरी की पूरी नंबर सम फैमिली हो गई। और हमें जब भी मैथ्स पढ़नी है ना, हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां के मेंबर्स से इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद ही तो घर में आगे एंट्री करके और दूसरे जो हमें काम करने होते हैं, बात करनी होती है, वो की जाती है। तो ये भी मैथ्स की फैमिली है, ये है ना, नंबर्स की फैमिली है, तो इनसे इंट्रोडक्शन जरूरी है। अब इसके बाद जो भी पढ़ा जाएगा ना वो एक रेफरेंस लेके पढ़ा जाएगा, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपको, मेरी गारंटी है मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है। मैथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस कैसे कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम रही, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं किसी और क्लास में। चलिए थैंक यू गाइज, ऐसे पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर्स के लिए।